अब हमें इस नेटवर्किंग को पढ़ने के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है कि हमने पार्टीशंस को कैसे बनाया। तो पहले एक छोटा सा बेसिक है अबाउट बाइनरी नंबर्स, फिर हम लोग इस पार्टीशन के बारे में दोबारा से डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखो फॉर एग्जांपल हम लोग दो बिट के बाइनरी नंबर को लेते हैं, इफ़ यू टेक टू बिट बाइनरी नंबर्स तो उनके कॉम्बिनेशन क्या बन सकते हैं, 00, 01, 10 और 11, टोटल 4 कॉम्बिनेशन। उसी तरीके से अगर हमारे पास एग्जैक्टली 3 बिट की बाइनरी नंबर्स हैं तो उनके कॉम्बिनेशन क्या बन सकते हैं हमारे पास, 00, 01, 010, 011, 100, 101, 110, 111, 111. करेक्ट, आई होप, आई थिंक आपको ऑलरेडी पता होगा। और इसके बारे में आपको पता होगा, देखो यहाँ पर आपके पास मिनिमम वैल्यू इज 0, नेक्स्ट इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, यहाँ पर मिनिमम वैल्यू इज 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। सो इस तरीके से हमने कुछ वैल्यूज को असाइन किया, फाइन। अब देखो इसमें ध्यान दो, आपके पास जितनी भी वैल्यूज हैं, सो मिनिमम वैल्यू इज ऑलवेज 0 एंड द मैक्सिमम वैल्यू इज ऑलवेज 2^n-1। यहां पर भी जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज ऑल्सो 2^n-1, वेर एन इज रिप्रेजेंटिंग द टोटल नंबर ऑफ बिट्स। जैसे कि यहां पर कितनी बिट्स हैं टोटल, 2, सो 2^2-1 इज 3। यहां पर कितनी बिट्स है आपके पास, 3, यानी कि 2^3-1 इज 7, तो ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, करेक्ट। अब देखो, अब अगर मुझे इनको एग्जैक्ट हाफ में डिवाइड करना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इन दो बिट्स के जो जितने भी कॉम्बिनेशन हैं इसको हम एग्जैक्ट हाफ में डिवाइड करना है, तो किस किस तरीके से हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। पहला तरीका है कि जो पहली बिट है फर्स्ट बिट के बेसिस पे हम इसको डिवाइड करेंगे, फाइन। कहने का मतलब क्या है, देखो अगर आपके ये सभी कॉम्बिनेशन है, दिस इज 10 एंड दिस इज 11, अगर मैं बोलता हूं कि अगर फर्स्ट बिट आपकी 0 है तो ये आपके पास हो जाएगा फर्स्ट हाफ, और फर्स्ट बिट अगर आपकी 1 है तो ये हो जाएगा आपके पास सेकेंड हाफ। यानी कि फर्स्ट हाफ के अंदर आईपी एड्रेसेस कौन कौन से होंगे यहाँ पर, 0 और 1, और सेकेंड हाफ के अंदर आईपी एड्रेसेस कौन कौन से होंगे यहाँ पर, दिस इज अगेन 2 एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग 3, ठीक है। तो आपने एग्जैक्टली 2 हाफ के अंदर डिवाइड किया। अब अगर मैं इसको सेकंड बिट के बेसिस पर डिवाइड करता हूँ, सेकंड बिट के बेसिस पे, तो कॉम्बिनेशन आपके पास होंगे 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0 एंड 1, 1। तो अगर मैं बोलता हूँ कि अगर सेकंड बिट आपकी 0 है तो ये आपका हो जाएगा फर्स्ट हाफ, दिस इज योर फर्स्ट हाफ, और हम बोलते हैं अगर सेकंड बिट अगर आपकी 1 है सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग योर सेकेंड हाफ, राइट। तो फर्स्ट हाफ में आई पी एड्रेसेस होंगे 0 और 2, और सेकेंड हाफ में आई पी एड्रेस होंगे 1 और 3, यानी कि जितने भी आपके इवन आई पी एड्रेस हैं, जैसे कि 0, 2, 4, 8, जो भी आपके इवन नंबर्स हैं वो सभी आपके पास फर्स्ट हाफ में आ जाएंगी, और जितनी भी आपकी ऑड नंबर्स हैं वो सेकेंड हाफ में आ जाएगी, करेक्ट। इस तरीके से पार्टीशन किया जा सकता है। अब उसी तरीके से अगर मैं 3 बिट के कॉम्बिनेशन को लेता हूँ तो यहाँ पर भी मेरे पास 3 तरह के पार्टीशन पॉसिबल है। पहला कि मैं फर्स्ट बिट के बेसिस पे पार्टीशन करूँ, दूसरा मैं सेकेंड बिट के बेसिस पे पार्टीशन करूँ, और तीसरा मैं थर्ड बिट के बेसिस पे पार्टीशंस करूं, ठीक है। अब देखो अगर मैं इस पार्टीशन को फर्स्ट बिट के बेसिस पे करता हूं तो फर्स्ट हाफ के अंदर हमारे पास आईपी एड्रेस आएंगे, सॉरी हमारे पास नंबर आएंगे 0, 1, 2 और 3, और सेकंड हाफ के अंदर हमारे पास आएंगे यहां पर 4, 5, 6 और 7। देखो यहां पर पार्टीशन का मतलब क्या है, पार्टीशन का मतलब यह है कि जितने भी नंबर्स प्रेजेंट है मैं इनको 2 हाफ में डिवाइड करना चाहता हूँ, इस तरीके से कि दोनों हाफ में एग्जैक्टली आपके पास जो फर्स्ट हाफ है उसके अंदर जितने भी नंबर्स थे उनका हाफ टू हाफ आ जाए, और सेकंड हाफ में भी आपके पास हाफ नंबर्स आ जाए। जैसे कि यहाँ पर टोटल आपके पास 8 नंबर्स प्रेजेंट है, 8, तो अगर मैं फर्स्ट बिट जहाँ पर 0 है उसको मैं एज्यूम करता हूँ दिस इज फर्स्ट हाफ, मतलब जितने भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल है उसमें से अगर हमारे पास हमेशा फर्स्ट बिट 0 है तो वो आपका फर्स्ट हाफ हो गया, और अगर हमेशा फर्स्ट बिट 1 है तो आपका सेकंड हाफ हो गया। तो फर्स्ट हाफ में आपके पास 0 से लेकर 3 नंबर्स आए, और सेकंड हाफ में भी आपके पास 4 से लेकर 7 नंबर्स आए, यानी कि टोटल 4 नंबर्स हियर एंड 4 नंबर्स हियर, यानी कि हमने एग्जैक्टली हाफ के अंदर डिवाइड कर दिया, करेक्ट। अब अगर मैं बोलता हूँ कि पार्टीशन मैं इस बेसिस पर करूँ, मैं फर्स्ट बिट में पार्टीशन नहीं कर रहा, पार्टीशन फर्स्ट बिट में नहीं कर रहा, लेकिन पार्टीशन को अगर मैं इस बेसिस पर करूँ कि जो हमारे पास थर्ड बिट है, अगर थर्ड बिट आपकी 0 है तो इसको फर्स्ट हाफ में ले लीजिए,
और थर्ड बिट अगर आपके पास वन है तो उसको सेकंड हाफ में ले लीजिए, थर्ड बिट अगर आपके पास वन है तो उसको सेकंड हाफ में आप ले लीजिए। अगर मैं फर्स्ट बिट के बेसिस थर्ड बिट पे बेसिस पार्टीशन करता हूँ, यानी कि फर्स्ट हाफ में कौन कौन सी नंबर्स आएंगे, दे विल बी जीरो, दे विल बी टू, दे विल बी फोर एंड सिक्स। और सेकेंड हाफ में कौन कौन से नंबर्स आएंगे, सेकेंड हाफ में वो आएंगे आपके पास वन, थ्री, फाइव और सेवन। यानी कि हम इस तरीके से डिवीजन कर सकते हैं, उसी तरीके से आप डिवीजन सेकेंड मिडिल बिट के बेसिस पर भी कर सकते हैं, राइट। तो जितने भी कॉम्बिनेशन प्रेजेंट्स हैं उन सभी कॉम्बिनेशंस को अगर मुझे एग्जैक्ट हाफ में डिवाइड करना है तो हमें उसके लिए सिर्फ एक बिट की जरूरत है। अगर बोलेंगे अगर एक बिट आपकी जीरो है, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट बिट आपकी जीरो है तो फर्स्ट हाफ, फर्स्ट बिट आपकी वन है तो सेकेंड हाफ। तो ऐसे दो अलग अलग पार्टीशंस में हम लोग इनको डिवाइड कर सकते हैं, करेक्ट। अब उन्होंने इसी सेम कॉन्सेप्ट को यहाँ पर अप्लाई किया, उन्होंने बोला कि अगर मुझे पहला हाफ यानी कि क्लास ए के आईपी एड्रेसेस लेने हैं तो हमें अगर फर्स्ट बिट आपकी जीरो है तो सभी क्लास ए के आईपी एड्रेस हो जाएंगे, अगर आपकी फर्स्ट बिट वन है तो आपके क्लास ए के अलावा जो बाकी आईपी एड्रेसेस हैं वो सभी वहां पर अलोकेट हो जाएंगे, ठीक है। तो उसे हम लोग पार्टीशंस में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 32 बिट का आईपी एड्रेस है, 32 बिट का, तो हमने बोला कि जो भी आईपी एड्रेस अगर हमारे पास प्रेजेंट है उन पूरे 32 बिट के आईपी एड्रेस में, उस पूरे 32 बिट के आईपी एड्रेस में अगर हमारे पास फर्स्ट बिट जीरो है, फर्स्ट बिट जीरो है तो वो आपका क्लास ए का आईपी एड्रेस है। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग फर्स्ट बिट जीरो एज्यूम करेंगे तो आप देख सकते हो कि एग्जैक्ट फर्स्ट हाफ, जितना भी फर्स्ट हाफ है, जितने भी यहाँ पर पहले दो नंबर और यहाँ पर पहले चार नंबर, तो एग्जैक्ट आपका जो पूरा फर्स्ट हाफ है वो एक क्लास में आ जाता है। तो हमने बोला कि पूरे 32 बिट में अगर पहली बिट जीरो है तो इसका मतलब है कि वो क्लास ए का आईपी एड्रेस है, क्योंकि हमने उसको 2 से 31 में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हाफ है उसकी पहली बिट क्या होगी, ऑब्वियसली वन, करेक्ट। सो हमने बोला कि अगर पूरे एड्रेस में हमारे पास फर्स्ट बिट वन है तो वो क्लास ए का नहीं है, लेकिन अब हमें क्लास बी का चाहिए, तो हम बोलेंगे अगर सेकेंड बिट जीरो है तो यानी कि वो क्लास बी का आईपी एड्रेस है, फाइन। तो टोटल आपके पास कितना है यहां से यहां तक, 32 बिट्स, ठीक है। तो ध्यान दो यहां पर हमने 32 में से एक बिट फिक्स कर दी, तो कितनी बिट बची यहां से यहां तक, अब 31 बिट्स, और यहां पर आपने टोटल 32 बिट्स में दो बिट फिक्स कर दी, तो यहां से यहां तक कितना बचा, 30 बिट्स। तो यहां से यहां तक आपके पास 30 बिट्स का आईपी एड्रेस बचा। सो दिस इज योर क्लास बी। फिर हमने बोला कि जो क्लास सी का आईपी एड्रेस है, अगर आपकी पहली बिट वन है, दूसरी बिट भी वन है और तीसरी बिट अगर आपकी जीरो है तो यानी कि वो क्लास सी का आईपी एड्रेस है। तो टोटल अगर आपके पास यहां से यहां तक टोटल 32 बिट्स थी, सो 32 बिट्स में से हमने पहली तीन बिट को फिक्स कर दिया और आपके पास कितनी बिट बची है, यहां पर टोटल 29 बिट्स, टोटल 29 बिट्स। तो ये जो बिट्स हैं ये हमने फिक्स कर दी। फिर हमने बोला कि अगर आपके पास पहली चार बिट 1110 है तो यानी कि वो क्लास डी का आईपी एड्रेस है, और अगर आपके पास पहली चार बिट यहाँ पर 1111 है तो यानी कि वो क्लास ए का आईपी एड्रेस है। तो यानी कि क्लास डी के लिए हमारे पास टोटल 32 में से अब हमारे पास 28 बिट्स बची, बिकॉज हमने चार बिट्स को फिक्स कर दिया, और क्लास ई के अंदर भी अब हमारे पास 28 बिट्स बची, ठीक है। सो ध्यान दो जिस तरीके से हमने यहाँ पर पार्टीशन किया था, पार्टीशन पहले हमने पार्टीशन किया फर्स्ट बिट के बेसिस पे कि अगर आपका फर्स्ट बिट जीरो है तो आपका एग्जैक्ट हाफ में डिवाइड हो गया। फिर हमने बोला कि अगर मैं सिर्फ फर्स्ट पार्टीशन को चेक करता हूँ, अगर आपकी सेकेंड बिट जीरो है तो यहाँ पर हाफ का भी हाफ में डिवाइड हो गया, यानी कि टोटल आपके पास एक क्वार्टर बना। तो उसी तरीके से हमने बोला कि जो भी हमारे पास क्लासेस होंगी, पहली क्लास ए के अंदर हमने पहली बिट को जीरो रखा तो आपके पास यहाँ पर 31 बिट्स बची, 32 में 31 बिट्स बची, जिससे आप 2 से 31 यहाँ पर आईपी एड्रेसेस प्रेजेंट होंगे। फिर आपने बोला क्लास बी के अंदर अगर पहली बिट 1 है और दूसरी बिट 0 है तो आपके पास यहाँ पर 30 बिट्स रिमेनिंग होंगी, और ये जितनी भी 30 बिट्स हैं
ये आपके क्लास बी के आईपी एड्रेस की होंगी, ठीक है। फिर आपने बोला कि अगर हम पहली तीन बिट्स को फिक्स करते हैं, यानी कि पहली तीन बिट्स होंगी आपके पास 110, तो अब आपके पास कितने बचेंगे यहाँ पर 29 बिट्स। तो ये जो 29 बिट्स हैं इसको हम लोग क्लास सी के अंदर देंगे, इसी वजह से यहाँ पर 2s पावर 29 आईपी एड्रेसेस प्रेजेंट। और फिर अब आपके पास क्लास डी के अंदर हमने पहली चार बिट्स को फिक्स कर दिया, तो यहाँ पर आपके पास 28 बिट्स बचेंगी, तो ये आपके पास क्लास डी का आईपी एड्रेस है। और फिर आपके पास क्लास ई का आईपी एड्रेस है, यहाँ पर आपके पास पहली चार बिट्स फिक्स्ड हैं, तो यहाँ पर आपके पास टोटल 28 बिट्स बचेंगी, तो इस वजह से यहाँ पर 2s पावर 28 आईपी एड्रेसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो जो भी हमने क्लासेस बनाई, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई, इन सभी क्लासेस के अंदर हमने पहली कुछ बिट्स को फिक्स कर दिया, ये बताने के लिए कि कौन सी क्लास का आईपी एड्रेस है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम एक एक क्लास को लेंगे, जैसे क्लास ए को लेंगे सबसे पहले, क्लास ए के बारे में टोटल कंप्लीट डिस्कशन करेंगे कि इसमें आईपी एड्रेसेस की कौन सी कहाँ से लेकर कहाँ तक रेंज हो सकती है। फिर क्लास बी के लेंगे, फिर क्लास सी को लेंगे, डी को लेंगे और ई को लेंगे, ठीक है। तो हम लोग हर एक क्लास को एक एक करके डिस्कस करेंगे, फाइन। सो मैं इसको रब करता हूँ और मैं फिर से वापस आता हूँ क्लास ए के साथ।